चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास सिक्स एक्सरसाइज 8.6। तो पहला सवाल कह रहा है निम्न को घटाओ। तो 20.75 रुपये में से 18.25 रुपये को घटाना है। तो देखिए 20.75 में से घटाना कितना है, 18.25। तो हमारा आ जाएगा 50 पैसा, ये आ गया, और इधर 10 में से 8 गया 2, यानी 2 रुपया 50 पैसा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 25 मीटर में से 202.54 मीटर। देखिए ये है 250 मीटर, और बाकी सेंटीमीटर में हमारा कुछ नहीं है, और ये है 202.54 मीटर। ठीक, तो ये अच्छे से समझना, इधर से हाथ से लेंगे तो इधर हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 46 बचा, और यहाँ पर देखिए हाथ से ले गया था तो 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 9 4 बचा, ठीक 47, और 2 49, और 1 50, ठीक यानी 47.46 मीटर। फिर यहाँ पर कह रहा है रेस 8.4 में से 8.5.40। अब देखिए ये 8.4 है, ये 4 नहीं 40 है, और ये भी 5.40 है। तो देखिए इसको जो हम घटाएंगे 8.4 में से 5.40, तो ये बचा हमारा केवल और केवल 3 रुपये। ठीक, कितना बचा 3 रुपये। यहाँ पर देखते हैं 5.206 किलोमीटर, 5.206 किलोमीटर, ठीक, और ये है 2.051 किलोमीटर। तो इसको जब घटा देंगे 6 में से 1 गया 5, और इधर कितना बचा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, और इधर 5 में से 2 गया 3.155 किलोमीटर। यहाँ पर देखें 2.107 किलोग्राम में से 0.314 किलोग्राम। तो देखिए 2.107 और 0.314, 7 और 4, इसमें क्या करना है, में से यानी घटाना है। ठीक, तो इसको भी घटाएंगे जब हम, तो आ जाएगा 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 1 बचा 0 बचा, 10 में से 3 गया 7, 1.793 किलोग्राम। तो देखिए इस प्रकार से घटाना है 9.756 -6.28, तो इसको तर ऊपर हम रख सकते हैं 7.56 और 6.28, या ये कह सकते हैं इसमें से हमको यहाँ पर 0 लिखा है, और ये 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 3.476। अब यहाँ पर देखते हैं 21.05 -15.27, तो आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे रख लेंगे ताकि हमको क्या होगा घटाने में आसानी होगी। 15.27, 15 में से 7 गया 8, और देखिए यहाँ से हम हासिल लिया था, तो यहाँ पर था तो है नहीं, इधर से हमने हासिल लिया था, तो ये हो गया था 10, इसमें से एक इधर चला गया, ये हो गया 15, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ से तो निकल गया था यहाँ, तो यहाँ पर बचा 0, 0 में से 5 गया 5, यानी 10 में से 5 गया 5, यानी 15.78। यहाँ बात करते हैं तो ये 18.5 और 6.79, ठीक, इसको जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ से हासिल गया था ना, तो 7 में से 6 गया 1, 1.71, 7 में से 6 गया 1 और 1, 11.71। यहाँ पर देखते हैं 11.6 और 9.847, देखिए यहाँ से हासिल लिया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर बचा 5, तो इधर हो गया 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ पर
इधर गया था यानी 10, 10 में से 9 हो गया 1, 1.753। एक पुस्तक रेस 36.65 की खरीदता है, उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए? तो देखिए उसने दिए कितने हैं, 50 रुपये, ठीक। और किताब कितने की है, किताब है 36.65 रुपये की। तो वापस कितना मिलेगा, कितने वापस मिलेंगे, तो लिखेंगे शेष। तो शेष कितना बचा देखिए अच्छे से, 36, 50 को ऐसे हम ले सकते हैं, 5, 15, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 गया 3, इधर कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 13.35 रुपये उसको बचेंगे, 13.35 रुपये उसको वापस करने होंगे। पानी के पास रेस 18.50 रुपये है, उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं, पास रुपए कितने थे उसके पास, 18.50, और आइसक्रीम कितने की खरीद ली उसने, आइसक्रीम खरीद ली है उसने 11.75 रुपये की, ठीक। अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो लिखेंगे शेष रुपए, ठीक। तो इसको घटा देंगे जब हम, तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 4, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 6.75 रुपये अभी भी उसके पास बचेगा। अच्छा क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा था, तो देखते हैं टीना के पास कपड़ा, तो टीना के पास कपड़ा कितना था, 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें 20.5 सेंटीमीटर, तब हमारा गलत होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में जो होता है पॉइंट के बाद दो संख्याएं होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20.05 सेंटीमीटर हमको लिखना होगा, तभी हमारा सवाल सही माना जाएगा। उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए, अब देखिए पर्दा के लिए उसने कितना कपड़ा निकाल लिया, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, अच्छे से समझना। अब देखिए इसमें देखिए पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो कह रहा है टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा, यानी बचा कपड़ा पूछ रहा है, यानी बचा कपड़ा, तो बचा कपड़ा इसको घटा दें, तो देखिए 5 ये ऐसे आ गया, और इधर कितना 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बचा 19, 19 में से 4 गया 15, यानी 15.75 मीटर कपड़ा अभी भी टीना के पास बच गया है। प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है, टोटल दूरी कितनी है, यानी कुल दूरी तय करती है 20 किलोमीटर और 50 मीटर 20 किलोमीटर 50 मीटर, इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तय करती है, ठीक। बस द्वारा कितनी दूरी तय करती है, 10 किलोमीटर और 200 मीटर, ठीक। और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा, और बाकी कुल दूरी इतनी है, बस से इतना तय करती है, और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा, तो ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है, तो देखिए ऑटो रिक्शा द्वारा तय दूरी, तो ऑटो रिक्शा द्वारा तय दूरी, तो टोटल देखिए कितना था, 20 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक, माइनस 10 किलोमीटर और 200 मीटर। तो तर ऊपर रख के अगर हम बात करते हैं, तो देखिए अच्छे से ये हो जाएगा 20.50, अब ये 50 मीटर, अब देखिए यहाँ पर जो थोड़ा होगा मैटर आएगा, देखिए क्या होगा वो देखते हैं, 10.200 मीटर। अब देखिए ये भी जो मीटर था 20 किलोमीटर 50 मीटर था, और ये 10 किलोमीटर
200 मीटर है। तो यहाँ पर ये जो 50 है ये इस प्रकार से ना लिख कर, क्योंकि तीन अंक है ना इसमें, तो तीन अंक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब देखिए अब इसको घटाएंगे, 0, 5 इधर से हासिल आया, 10 में से 2 गया 8, ठीक 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा, 9, और 2 में से 1 गया कुछ नहीं, तो कितना बचा, 9.850 मीटर, या हम कह सकते हैं 9.85 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है जिसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है, तो आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कुल सब्जी देखते हैं, तो कुल सब्जी उसने कितनी खरीदी है, 10 किलोग्राम, कितनी खरीदी है, 10 किलोग्राम, जिसमें प्याज कितना है, प्याज है 3 किलोग्राम और 500 ग्राम, ठीक, और 2 किलोग्राम 75 किलोग्राम टमाटर है, टमाटर कितना है, टमाटर कितना है 2 किलोग्राम 75 ग्राम, ठीक। तो कह रहा है शेष आलू है, तो आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आलू का जो वजन है, आलू का वजन, तो आलू का जो वजन है कुल सब्जी में से प्याज और टमाटर, प्याज और टमाटर को जोड़ के इसमें कुल सब्जी में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो कुल है 10 और प्याज कितना है 3.500 प्लस टमाटर कितना है 2.75। अब देखिए किलोग्राम में जो पॉइंट के बाद तीन संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें कितनी 2, तो यहाँ ना लगा के 0 यहाँ फिर लगाएंगे, अगर यहाँ लगाएंगे तो 750 ग्राम हो जाएगा, ऐसे 2 किलो 75 ग्राम कहा जाएगा इसको। अब इसको समझिए, 10 माइनस ये 3 किलो, ये 3 किलो 500, 2 किलो 75, तो 3 और 2 5 किलो 575 ग्राम, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो देखिए ये 10 किलो है और इसमें से घटाना है 5 किलो 575 ग्राम, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 5 गया 4, यानी 4 किलो 425 ग्राम आलू है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.6 डाइंड, अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।